हूँ राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई। खबर यह है कि प्रियंका गांधी अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राह पर निकल पड़ी हैं। प्रियंका गांधी अब आम आदमी पार्टी की राह पर निकल पड़ी है, वो कैसे? इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरी सहयोगी अनुजा। अनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और पहला ही सवाल अनुजा आपसे ले लेते हैं कि प्रियंका गांधी ने अब फ्री का ऐलान करना शुरू कर दिया है। हाल ही में प्रियंका गांधी ने फैसला किया कि जो बच्चियां हैं 12वीं पास करके निकलेंगी, जो बच्चियां ग्रेजुएशन पास करके निकलेंगी, उन्हें स्कूटी, स्मार्टफोन, ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। महिलाओं को अभी हाल ही में उन्होंने फैसला किया कि 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा युवाओं को रोजगार देने की बात कही है और अन्य कई फ्री चीज़ों के ऐलान किए। उन्होंने कहा किसानों का कर्ज यहाँ तक कि माफ़ हो जाएगा। प्रियंका गांधी के इस फ्री ऐलान का कितना असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा और क्या ये फ्री की चीज़ें ही हैं जो प्रियंका गांधी को चुनाव में बड़े अंतर से जीत हासिल करवाएंगी? देखिए, अगर मैं केजरीवाल की बात करूं तो केजरीवाल जो है ऐसे ही वादे करके सत्ता में आए हैं और कांग्रेस पार्टी जो है इसी फॉर्मूले के तहत काम करती हुई नजर आ रही है। अगर प्रियंका पर ध्यान दिया जाए तो बहुत धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें, कह सकते हैं कि सारे पत्ते जो हैं वो निकालती हुई नजर आ रही हैं। पहले तो वो 40% महिलाओं की उम्मीदवारी पार्टी में बात की, उसके बाद जो है 12वीं पास छात्राओं को जो है स्मार्टफोन देने की बात की, फिर ग्रेजुएट पास छात्राओं को स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी देने की बात करती हैं, उसके बाद जो है आज ही 10 लाख से ऊपर स्वास्थ्य में जो है इलाज के लिए वो फ्री 10 लाख के इलाज जो है वो फ्री करवाने की बात करती हैं। तो ये जरूर हम कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रही हैं और जिसमें ऐसे अनाउंसमेंट कर रही हैं जो लोगों के, जो गरीब लोगों के लिए जो है काफी हितकारी है और उनके समर्थन में जो है प्रियंका चाहती है कि ऐसे तबके के लोग आए जो उनको समर्थन दे और जिससे कांग्रेस पार्टी को फायदा हो। और अनुजा, काफी हद तक अगर देखा जाए तो जनता फ्री के चक्कर में बहुत रहती है। जहाँ फ्री की चीजें मिल जाती है जनता उस ओर दौड़ना शुरू कर देती है। अगर दिल्ली की मैं बात कर लेता हूँ कि दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव होने वाले तो उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने जो फ्री का ऐलान किया, दिल्ली की जनता एक तरफा अरविंद केजरीवाल के साथ हो गई। पंजाब भी चलते हैं, देखिए पंजाब में सबसे पहले फ्री का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया, किसानों को लेकर किया गया, पानी, बिजली और तमाम तरह की चीजों पर फ्री का ऐलान किया गया। तो और राजनीतिक पार्टियां भी फ्री की बात करती नजर आई। तो क्या जो ये फ्री का लालच है या जो फ्री का कार्ड है, ये फ्री कार्ड खेलने से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की जनता को लुभाने में कामयाब हो पाएंगी और इसका फर्क योगी सरकार के लिए कितना दिखता नजर आएगा, कितनी मुश्किलें योगी सरकार की बढ़ रही है? प्रियंका गांधी जो है ये कार्ड खेल चुकी है, क्योंकि अगर मैं बात करूं महिलाओं के समर्थन की तो प्रियंका गांधी को इस बार जो है महिलाएं अपना समर्थन जरूर देंगी, क्योंकि लगातार जो है वो महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है और अब जो उनका नया ऐलान था कि 10 लाख तक के स्वास्थ्य पर जो है वो फ्री खर्चे होंगे, लोगों को 10 लाख के ऊपर अगर उनका बिल जाता है तब उन्हें पैसे देने होंगे, 10 लाख तक वो फ्री में अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं जनता को अपनी ओर आकर्षित जरूर करते हैं और इस समय पर जो है कांग्रेस पार्टी ये ऐलान कर रही है जब योगी सरकार जो है वो सुस्त पड़ी हुई है और जब से प्रियंका गांधी जब ये बड़े बड़े ऐलान करती है उसके बाद योगी सरकार की तरफ से भी जो है वो ऐलान आने शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की नकल करते हुए बीजेपी सरकार नजर आ रही है। जी, फिलहाल नकल करती नजर आ रही है, लेकिन एक बात तो है अनुजा, प्रियंका बहुत चालाक हैं, बहुत चालाकी से काम करती नजर आ रही है। उन्हें पता है कि कौन सा दांव कहाँ चलना है और किस तरह रणनीति बनानी है, वो तमाम रणनीतियां इस वक्त सही साबित होती नजर आ रही है। अनुजा, एक सवाल और यहाँ पर, प्रियंका गांधी अगर इतनी अच्छी ढंग से रणनीतियां बना सकती थी तो 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करती, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हो पाया। और फिलहाल प्रियंका गांधी की तरफ से जो रणनीति बनाई जा रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो रणनीति बनाई जा रही है, क्या लग रहा है आपको, क्या इन रणनीतियों के पीछे राहुल गांधी, प्रियंका या सोनिया गांधी का हाथ है या फिर कोई और है जो
प्रियंका गांधी को सलाह दे रहा है, सोनिया गांधी को सलाह दे रहा है, राहुल गांधी को सलाह दे रहा है कि वो इस तरह के कदम उठाएं, तब जाके उन्हें चुनाव में फायदा होगा। क्योंकि हाल ही में अगर देखा जाए तो जो पार्टी के बागी नेता है उनसे एक फॉर्म तक साइन करवाया गया है जिसमें पार्टी के खिलाफ कुछ ना बोला जाए, नशीला पदार्थ का सेवन करके मंच पर ना आया जाए। तो ये तमाम तरह के फैसले जो बहुत चौंकाते, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं अगर इस बार बात करूं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी जो है पार्टी के अंदर कई बदलाव कर रही है। युवा नेताओं को पार्टी में एंट्री दिलाना, युवा नेताओं को अहम जिम्मेदारी दिलाना, फिर ऐसे ऐसे रणनीति, ऐसे ऐसे मुद्दे है जो सामने आ रही हैं वो पहले कभी कांग्रेस पार्टी में नहीं देखा गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो है, अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो 3 दशक से कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन इस बार अचानक से प्रियंका गांधी आती हैं, दौरे करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, यात्राएं करती हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार जो है वो काफी गेम चेंज जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पे होता दिख रहा है। और इससे पहले जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी में आने की जो है अटकलें जरूर तेज हुई थी, लेकिन उन्होंने शामिल वो नहीं हुए कांग्रेस पार्टी में। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि ये दिमाग कहीं ना कहीं उन्हीं का है, ऐसी रणनीति जो है वो वही तैयार करते हैं, वही रणनीति तैयार करते हैं। और अनुजा, एक सवाल और, अगर फ्री का जो कार्ड है ये उत्तर प्रदेश में अगर चल जाता तो आने वाले क्या जो विधानसभा चुनाव हैं, चाहे गुजरात पंजाब की अगर बात करें या फिर अन्य राज्यों में जहां चुनाव है, वहां पर भी क्या यही फ्री कार्ड कांग्रेस खेलेगी और सत्ता हासिल करेगी? जी, कह सकते हैं अगर ये फ्री कार्ड इतना सफल रहेगा तो जरूर प्रियंका गांधी जो है इसी पर काम करती हुई नजर आएंगी। लेकिन उस चीज को समझना होगा कि प्रियंका गांधी इस बार जो है, इस बार जो कांग्रेस का चुनावी मुद्दा है वो महिलाओं पर फोकस किया गया है, महिला सशक्तिकरण हुई या फिर महिला सुरक्षा को लेकर बातें हुई, इन पर जो है वो प्रियंका फोकस कर रही है और लगातार इसके साथ जो है और भी कई वादे भी कर रही है। लेकिन इस बार इम्पोर्टेंस जो है ना वो महिलाओं को ही दिया गया है। इस वक्त फिलहाल बात करें तो एक तरफ फ्री का लालच दिया जा रहा है, एक तरफ युवाओं का मुद्दा उठाया जा रहा है, तमाम तरह से प्रियंका गांधी कई कदम उठाते नजर आ रही हैं। और जाहिर सी बात है, प्रियंका गांधी के इन्हीं रणनीतियों को देखते हुए, प्रियंका गांधी के इन्हीं फैसलों को देखते हुए आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को बेहद ही शानदार जीत मिलेगी। आने वाले समय के चुनाव को लेकर तमाम तरह से जानकारियां हम देते चले आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट बन रहा है इस पर भी जानकारी दे रहे हैं। और अनुजा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने दर्शकों को बहुत अहम जानकारी दी। चलिए, आज के लिए इतना ही, आपसे फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार।